गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 10 विषय हिंदी हम लोग पद पे हैं। तुलसीदास के पद को पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं वन पद पर। तो हम लोग वन पद पर तुलसी जी आगे क्या कहते हैं इसको देखेंगे। यहाँ आपका पद लिखे हुए हैं, पुरसे निकसी रघुवीर बधु धर वीर धरे मधु में डर गए, झलकी भरे बाल कभी जल की किसु की गले मधुरा धर गए। फिर पूछती है चलनो अब के टिक पर भी करियो हवे, तिये की यति आत्मता तिये की यतिया अति चातुर सही चलती। कहते हैं तुलसीदास की उस समय का ये वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण साथ में सीता जी महल को छोड़कर वन की तरफ जाते हैं। वन वनवास होता है इन लोग का, तो जब निकलते हैं उस समय का ये वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरसे निकसी रघुवीर बधु, श्री रामचंद्र जी की पत्नी जो है सीता जी जब महल से निकलती हैं उसी समय का ये वर्णन है। कहते हैं धर धीर धरे मगने गए, बड़ी धीरज धर के अपने कर्मों से वो अपने महलों से बाहर निकल रही है। आगे कहते हैं झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर, और अभी कुछ ही दूर सीता जी चली थी कि उनके माथे में पसीने के बूंदे झलक आए थे, और माथे के पसीने झलक आए थे और जो ओठ थे उनके कोमल सुकुमार ओठ जो थे वो कुछ ही क्षण में सूख जाते हैं। फिर पूछती है चलनो अब के दिक पर तुटी करिहो कितवर, फिर पूछती है कुछ ही दूर चलती है सीता जी बहुत सुकुमार है कोमल है, फिर पूछती है कि श्री रामचंद्र जी से कि अब कितनी दूर और चलना है और हम लोग की जो पत्तों की कुटिया बनेगी वो कहाँ बनेगी कैसे बनेगी। तेकी लखी आतुरता पेकी अखिया अति चातुर चली, कह रहे हैं तेकी लखी आतुरता पेकी अखिया अति चार चली चल। यह देख कर श्री राम जैसे ही सीता जी पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है और हमारी पत्तों की कुटिया कहाँ बनेगी, यह देख कर यह सुन करके श्री राम जी अपनी सुकुमार पत्नी को देख करके यह देखते हैं कि ये थक गई हैं और उनकी आंखों में यह सुकुमारता और सुकुमारता को देख कर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू झलक आते हैं कि अब कितने कष्ट को झेल रहे हैं जो महलों में रहने वाली रानी जो है आज क्या है इस धूप में तपती धूप में और इस रास्ते पर कटेरे रास्ते पर चल रही है, वो भी क्या है पूरी तरह से सूख गए हैं थक गए हैं, सूख गया है चेहरा वो सूख गया है। यह देख करके आंखों में श्री रामचंद्र जी के आंसू निकल आते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, भाषा ब्रज है, शैली जो है चित्रात्मक और मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग व्याख्या और देखते हैं कारण सौंदर्य देखते हैं हमारे अगले पद पर। तुलसीदास कहते हैं कि जल को गए, जल को गए लक्षण है लड़का परिखों की छान अधिक हवे ठाकरे। यह सुनकर के जैसे ही सीता जी रास्ते में चली जाती है, चलती है उनको रास्ते में कुछ ही दूर चली जाती है उनको प्यास लग जाती है। इस प्यास को बुझाने के लिए लक्ष्मण जी जो थे वो जल को लाने चले जाते हैं। अब जब लाने चले जाते हैं जल को, तो सीता जी बड़ी व्याकुलता से श्री राम जी से कहती है कि थोड़ी सी हम लोग क्या करें पेड़ की छांव में रुक के लक्ष्मण जी का इंतजार कर ले। आगे कहती है कि पोछ पसे पोछ पसे बयाय करो और पाए पखाड़ो घुंघरू घुंघराए, और श्री रामचंद्र से कहते हैं कि लाइए और आपके क्या करें माथे पे जो पसीना है उसे पोछ दें, और पंखा हवा करने लगती अपने आंचल से श्री राम जी के पसीने को पोछते हुए उनको हवा करती हैं। तुलसीदास कहते हैं तुलसी रघुवीर प्रिया शमशान के बैठ विलंब लो कंटक कार, यह देख करके श्री रामचंद्र जी मेरी पत्नी सीता जो है मुझे इतना प्रेम कर रही है थकी है और इस प्रकार से वो हमारे थकान को दूर कर रही है,
रामचंद्र जी क्या करते हैं, सीता जी के पैरों में जो कांटे घसे हुए होते हैं उन कांटों को निकालना शुरू कर देते हैं। तुलसी रघुवर प्रिया सुन जाने के बैठ विलंब लौकर कर गाए और क्या करते हैं, हम उसके पैरों को कहती है धो के, श्री रामचंद्र जी की पैरों को धो करके कांटे को निकालने लगती है। यह देख करके श्री राम जी कहते हैं जानकी नगर को ले लखो प्रभु तन बाय विमोचन बाय, कहते हैं श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को देख, श्री रामचंद्र जी के इस स्नेह को देख कर सीता जी क्या करती हैं, वो बहुत ही हर्षित होती हैं, खुशी होता है कि मेरे पति जो है हमें बहुत ही प्रेम और स्नेह कर रहा है। सीता जी अपने स्वामी को प्रेम से प्रेम का प्रेम देख करके जो उनका शरीर जो होता है पुलक हो पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम रूप जो है अश्रु निकल आते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार और हम देखेंगे जल को गए कहते हैं तुलसीदास की चलते चलते जब सीता जी को प्यास लग जाती है तो सीता जी क्या करती हैं, प्यास को बुझाने के लिए लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले जाते हैं और जब जल लेने के लिए चले जाते हैं तो सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हम लोग क्या करें कुछ देर यहाँ बैठ करके पेड़ के छांव में आराम कर लें और यह कहते हुए उनके माथे के पसीने को पोंछती हैं। श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि सीता जो है बहुत ही थकी हुई है और यही देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं पसीने को पोंछते हुए हवा करती हैं और श्री रामचंद्र जी उनके पैरों में से कंटक को निकालते हैं। जो बालू और कंकड़ तपते हुए धूप में लगे हुए रहते हैं उनको क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी कांटे को बैठ करके पैरों से निकालना शुरू करते हैं। जब सीता जी अपने स्वामी के इस प्रेम स्नेह को देखती है तो उनके आंखों से क्या होता है, प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। हमारे क्या करते ये रहा इसका व्याख्या, आइए हम काटे का सौंदर्य को देखते हैं। हाथ अग्रत आता है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षा और व्यंजना है, छंद जो है सवैया है। इसमें तुलसीदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब सीताराम सीता और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वन के लिए जाते हैं तो उस वन मार्ग में चलते समय जो गांव की स्त्रियां हैं आपस में बातचीत करती हैं उसी समय का ये वर्णन है। स्त्रियां कहती हैं आपस में कि हे सखी मैं जान गई, कहती है कि रानी में जाने ज्ञान महापावन रूप हो रही है। हे सखी हम जान रहे हैं कि रानी जो है वो बहुत ही कठोर हृदय वाली है और कठोर के साथ साथ राजा भी है। राजा उनका कान में जाने का बहुत ही कोर भी है, कान भी कहते हैं कि राजा उनका जो आकाश में जाने कहा तीर को जिन कान कियो है, ऐसा काम जो राजा ने किया है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। राजा ने क्या किया है, अपनी पत्नी के गई की बात मान करके इन सुकुमार बालकों को घर से निकाल दिया यानी महल से वन के लिए जाने के लिए कह दिया है। इस प्रकार से हे रानी हे सखी, रानी तो अज्ञानी है ही साथ साथ में क्या है, राजा दशरथ भी बहुत अज्ञानी है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो, कहते हैं कि इतनी सुंदर छवि जो है इससे बिछड़ते ये लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखबो योग किम कैसे वनवास दियो, कहती है सखी इतने सुंदर छवि वाले ये राजकुमार है रानी है इनको जो है वन के लिए नहीं भेजना चाहिए। ये तो हृदय में बसाने वाले आंखों में बसाने वाली इनकी छवि है, इतनी सुंदर और सुकुमार छवि जो है वो आंखों में बसाने योग्य है। हमारे प्यारे बच्चों इसका जो है इसमें ग्रामीण स्त्रियों का वर्णन किया गया है कि आपस में वार्तालाप कर रही हैं और रानी के कठोर हृदय का व्याख्यान दिया गया है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार और करुण है, छंद सवैया है, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। हमारे प्यारे बच्चों इसका हम लोग क्या किए व्याख्या और काव्य का सौंदर्य सही देखे, आइए हम लोग अभी चलते हैं।
शीर्ष जटा और बाहु विशाल, जिसके सिर पे झंडा है, जिसकी हाथ में जो है बाहु जो है वो विशाल जो है, विलोचन लाल और नेत्र जो है वो बड़े बड़े लाल लाल है, तिरछी सी भौ है और जिनके भवे जो है वो तिरछी है। तुन सरासन बाण धरे और क्या किए हैं, बाण को और तीर को धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुशोभे और वो वन मार्ग पे सुशोभित हो रहे हैं। सागर पार ही बाह सुखा के चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे, और ऐसे सुंदर छवि वाले जो सावरे हैं श्री रामचंद्र जी, जो वन वन पद पर सुशोभित हो रहे हैं और बड़ी आदर सम्मान से तुम्हें देख रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सी सुस कहे सावरे से सखी रावरे को है, की बड़ी आदर सम्मान के साथ सागर पा रही बात सुना है। ठीक है, कहते की है सखी बड़ी आदर सम्मान से जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम जो हमारे मन मोह है और क्या है हमारे मन को मोह रहे हैं। आगे कहते है की पूछत ग्राम वधु और ग्राम वासियों की वधु जो ये सखी, ये जो सामरे हैं जिनके सिर पे जटा को धारण किए हुए हैं, बाजू विशाल हैं और बड़े बड़े लाल लाल आंखें हैं, भवे तिरछी हैं, तीर और कमान को धारण किए हुए हैं और वन मार्ग पर सुशोभित हो रहे हैं। ये सखी हमारे मन को मोह रहे हैं, क्या ये सामरे तुम्हारे प्रिय हैं, क्या तुम्हारे पति हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास जी इसमें जो है श्री राम के रामासी जो सीता जी से श्री राम चंद्र के बारे में पूछते हैं उसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं, भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है और छंद सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार जो है रूपरास अलंकार है। हमारे प्यारे बच्चे इस प्रकार हम क्या किए, इन दोनों का काव्य का सौंदर्य सही किया। क्या देखें तुलसीदास जी कहते हैं कि आइए देखते हैं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन मार्ग पर चल रहे थे, उस समय ग्रामपति जो होती है, गांव की औरतें जो होती हैं, वो सीता जी से पूछती हैं, क्या कहती है, कहती है कि ग्रामपति कहती है सीता जी से पूछी कि ये सावली जो है, क्या देखिए आगे, सयानी जानकी जानी सुन सुंदर गर्भ सुधार स्थान है, सयानी जानकी जानी कहती है कि वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव वधुओं ने सीता जी से राम के विषय में पूछा कि ये सामने और सुंदर रूप वाले सुंदर क्या लगते हैं तुम्हारे, क्या है उनकी यह अमृत के समान मधुर वाणी वाणी सुनकर सीता जी समझ गए कि स्त्री जो है बहुत ही चतुर है और निरक्षीय के बारे में चाहती है। आगे कहती है वो कि तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हे, और सीता जी ने उसी चतुराई को समझते हुए उनका उत्तर इस प्रकार से दी, बहुत बढ़िया से, तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हे समझाई कहो मुस्काए से, और सीता जी क्या करती है अपने नैनों से तिरछे करके इशारे में ही सारे प्रश्न का उत्तर दे देती है और मुस्कुरा करके आगे चलती है। तुलसी के अवसर सोए सभी अलौकिक लोचन लाभ रही, और कहते हैं कि इस प्रकार से सीता जी जो है उनके प्रश्नों के ग्राम मधुओं के प्रश्नों के उत्तर को बड़ी शालीनता से समझते हुए अपनी आंखों से ही उत्तर देते हुए मुस्कुरा करके उनकी भावनाओं को समझते हुए उत्तर को देते हुए सीता जी क्या करती है आगे को निकल जाती है। अनुराग तराग में भान उदय विकसित
आदत जो तुम्हारे पति हैं उनको देख करके वो अपने आप को धन्य और तृप्त मानती हैं कि हमें क्या है उस पुराने पिछले जन्मों का जो है पुण्य हमें मिल गया। और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देख करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। श्री रामचंद्र जी के जो है हमें दर्शन हो गए। तुम्हारे प्यारे बच्चों एक बार हम और देखेंगे, माता ब्रज है, शैल मुक्तक है, गुरु माधुर्य है, दस श्रृंगार है, छंद सवैया है, सब शक्ति जो है व्यंजना है, अलंकार अनुलास रूपक और उपदेक्षा है। तो आइए इस पद के अंदर कठिन शब्द को भी देखें, शब्दार्थ को भी देखें, शब्द और अर्थ को जानें। तो सुज मने सुनकर, वैद मने क्या होता है वचन, सुधारस मने अमृत, अमृत रूपी वाणी भी कह सकते हैं, अमृतमय भी हो सकता है। सयानी मने चतुर, शैल मने संकेत, तिन्हे मने उनको, अवसर मने अवसर, अली मने सखी। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों इस पद में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ है पुनः हम एक बार जानते हैं। इसके अर्थ को तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी वन वन पथ पर जा रहे थे तो गांव की औरतें जो है वो सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती है कि ये जो सांवले रंग वाले हैं वो तुम्हारे कौन है। जब इस बात को सीता जी सुनती है तो बड़ी आदर सम्मान के साथ मुस्कुराते हुए उनका जवाब देती है। और अपने किस प्रकार से वो जवाब देती है, तिरछे नैन को करते हुए वो इशारों में ही ये उत्तर समझा देती है कि यही मेरे प्रिय चाहे मेरे पति है। और मुस्कुराते हुए क्या करती है, वो वन पथ पर आगे बढ़ जाती है। यह सुन करके जो ग्राम मधुरी होती है उनको क्या होता है, संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है कि श्री राम जी के दर्शन जो है हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों हम लोगों ने वन पथ का पांचों पद को हम लोग देख लिए, कारीगर सौंदर्य से उसका व्याख्या देख लिए। आप लोग काफी पे लिखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे। धन्यवाद।